हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ चुका हूँ आपके लिए बॉक्स फुल ऑफ स्टेशनरी कलेक्शन का वीडियो लेके गाइस। और आज की वीडियो होने वाली है काफी अमेजिंग और काफी यूनिक गाइस, क्योंकि इस बॉक्स में हमेशा की तरह दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्टेशनरी आइटम गाइस। आज की वीडियो दोस्तों बिना स्किप करे पूरी वीडियो एंड तक देखना, फिर आप मुझे बताना आज का कलेक्शन आपको कैसा लगा गाइस। वीडियो अच्छी लगी कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच फैमिली की तरफ से। तो चलो फटाफट इस बॉक्स को खाली करते देखते दोस्तों इस बॉक्स में किस तरह की स्टेशनरी आइटम मिलती है और क्या क्या चीजें मिलती है। तो सबसे पहले देखो दोस्तों इसके अंदर हमें क्या मिलता है। दोस्तों तो इसके अंदर देख सकते हो पहली चीज मिलती है हमें एक क्रीम बिस्किट दोस्तों, और ये क्रीम बिस्किट नहीं है, ये है एक शार्पनर। ये देख सकते हो इस पे साफ साफ लिखा है शार्पनर, और शार्पनर कहां मिलता है दोस्तों हमें, तो ये देखो दोस्तों इसके अंदर हमें होल मिलता है, और इस होल में दोस्तों हम पेंसिल को डालेंगे फिर पेंसिल को शार्प करेंगे। चलो देखते हैं इसके अंदर का शार्पनर कैसा है। तो इसे ओपन करेंगे कुछ इस तरह से, ये देख सकते हो इसके अंदर का शार्पनर काफी जबरदस्त है, और ये देख सकते हो हमारी पेंसिल, और इस पेंसिल को दोस्तों इस तरह इसके अंदर डालेंगे फिर पेंसिल को शार्प करेंगे। ये देख सकते हो मैंने हल्की हल्की पेंसिल को शार्प करी, ये देख सकते हो पेंसिल शार्प हो गई, और सारा कूड़ा गाइस इसी में जमा है। और इसके कूड़े को कैसे फेंकेंगे, इसका ढक्कन दोस्तों इस तरह खोलेंगे फिर इस कूड़े को फेंक देंगे, और देख सकते हो हमारी पेंसिल को कितने अच्छे से शार्प भी कर रही है। ये देख सकते हो काफी जबरदस्त शार्पनर मिल जाता है बिस्किट वाला दोस्तों इस बॉक्स में। चलो साइड रखते और देखते दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें मिलती है एक तलवार, देख सकते हो तलवार मिलती है दोस्तों, काफी गजब की तलवार मिलती है, काफी अमेजिंग तलवार मिलती है दोस्तों। और ये तलवार नहीं है, ये है तलवार लुक में एक पैन, वो कैसे चलो दिखाता हूं दोस्तों। पीछे वाले पार्ट को खींचेंगे यानी ढक्कन को खींचेंगे तो ये ढक्कन ओपन हो जाएगा, और ये देख सकते हो पैन इसके अंदर मिलता है, तलवार वाला पैन है, देख सकते हो कितना अमेजिंग है। और इसकी टिप भी देख सकते हो कितनी जबरदस्त है, चलाते इस पैन को तो ये देखो दोस्तों कितना जबरदस्त चल रहा है दोस्तों, काफी अच्छा चल रहा है देख सकते हो। ये तलवार वाला पैन आपको कैसा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें मिलता है एक यूनिकॉर्न का पर्स, देख सकते हो काफी जबरदस्त पर्स मिलता है, और यहां देख सकते हो दोस्तों हमें एक लॉक मिलता है, इस लॉक में दोस्तों हम ताला मार सकते हैं दोस्तों इस पर्स में। और इस पर्स का हैंडल देख सकते हो कितना जबरदस्त है दोस्तों, मोतियों वाला हैंडल मिल जाता है, और इसे ओपन करते देखते हैं इस पर्स में हमें क्या मिलता है। तो ये दोस्तों पर्स नहीं है, पर्स लुक में है ये एक डायरी, ये देख सकते हो काफी जबरदस्त डायरी है दोस्तों, काफी सुंदर डायरी है, और इसमें देख सकते हो कितने सारे पेजेस भी मिल गए देख सकते हो। सबसे अच्छी बात है ये डायरी 180 रोटेट भी हो जाएगी कुछ इस तरह से, काफी सुंदर डायरी है दोस्तों, यूनिकॉर्न की डायरी। आपको कैसी लगी पर्स लुक में दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें क्या मिला दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, ये तो है एक रॉकेट, और ये दोस्तों रॉकेट नहीं है, ये है रॉकेट लुक में एक पेंसिल शार्पनर प्लस इरेजर सेट, वो कैसे चलो दिखाता हूं। नीचे दोस्तों हमें दो होल मिलते हैं, यानी दोस्तों इसके अंदर दो दो शार्पनर मिलेंगे, एक छोटा शार्पनर मिलेगा एक बड़ा शार्पनर मिलेगा। ये देख सकते हो शार्पनर की क्वालिटी काफी जबरदस्त है। ऊपर वाले ढक्कन को ओपन करेंगे तो ऊपर दोस्तों हमें मिलते हैं इरेजर, ये देख सकते हो काफी अच्छी इरेजर है दोस्तों, काफी जबरदस्त है रॉकेट लुक में, ये 2-in-1 सेट है काफी जबरदस्त है। और ये देखो दोस्तों इसके अंदर का शार्पनर काफी सुंदर सा है दोस्तों। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें मिलते हैं एक चिली सेट यानी मिर्ची वाला सेट मिलता है दोस्तों, और ये मिर्ची सेट नहीं है, ये है एक हाईलाइटर सेट, ये देख सकते हो पेपर हाईलाइटर है मिर्ची लुक में दोस्तों। चलो फटाफट एक मिर्ची को निकालते हैं और चला के देखते हैं ये हाईलाइटर कैसा चलता है। तो एक मिर्ची को निकाल लिया, ऐसा लग रहा बिल्कुल रियल की मिर्ची है दोस्तों, बट ये मिर्ची वाला हाईलाइटर वो कैसे चलो दिखाता हूं। इसके ढक्कन को दोस्तों इस जगह से खोलेंगे तो इसे खोला तो इसकी टिप देखो दोस्तों कितनी जबरदस्त और कितनी अमेजिंग है, चलाते तो ये देखो दोस्तों कितना जबरदस्त चल रहा है ये हाईलाइटर, काफी अमेजिंग हाईलाइटर मिर्ची वाला हाईलाइटर। आपको कैसा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें मिलता है एक कोरस की किट दोस्तों, और ये किट आती है 99 रुपीज की, और देखते हैं दोस्तों 99 रुपीज में हमें क्या क्या चीजें मिलती है। वैसे तो इसके अंदर टोटल हमें मिलती है 8 आइटम मिलती है दोस्तों, यानी 8 चीजें मिलेगी दोस्तों इस कोरस किट के अंदर दोस्तों। चलो फटाफट ओपन करते हैं देखते हैं दोस्तों क्या क्या चीजें मिलती है और किस तरह की स्टेशनरी आइटम मिलती है और इनकी क्वालिटी कैसी है ये भी देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो देखो दोस्तों इसके अंदर हमें क्या मिलते हैं, तो इसके अंदर दोस्तों हमें मिलते हैं ऑयल पेस्टल कलर मिलते हैं 12 सेट्स के, और इसके प्राइस की बात करते हैं तो ये कितने का आता है दोस्तों, ये आता है 35 रुपीज का। चलो देखते हैं ये ऑयल पेस्टल कलर कैसे हैं। तो ये देखो दोस्तों ऑयल पेस्टल कलर तो काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग है दोस्तों, और इसके अंदर का स्क्रबिंग टूल देखो दोस्तों मछली लुक में मिल जाता है काफी अमेजिंग, और ये देखो दोस्तों इसके अंदर व्हाइट कलर भी मिल गया, और क्वालिटी तो वाकई में काफी जबरदस्त है। मोटाई देखो दोस्तों कितनी अमेजिंग है दोस्तों इन ऑयल पेस्टल कलर की, काफी जबरदस्त ऑयल पेस्टल कलर मिल गया दोस्तों इसके अंदर। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस किट में हमें क्या चीज मिलती है। तो इस किट में ये देखो दोस्तों
यहाँ में मिलते हैं दो दो पेंसिल, देख सकते हो दो ट्रायंगुलर पेंसिल मिल जाते हैं, वुडन एचबी पेंसिल मिल जाती है, और ये देखो दोस्तों साइज कितना जबरदस्त है, काफी अच्छे साइज की दोस्तों हमें पेंसिल मिल जाती है। तो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इसके अंदर क्या मिलता है। तो इसके अंदर ये देखो दोस्तों हमें क्या मिले, स्केच पेन, और वाह, और टोटल गाइस इसके अंदर हमें मिलेंगे 6 शेड्स के स्केच पेन और छोटे छोटे स्केच पेन मिलते हैं, देख सकते हो काफी जबरदस्त, एक देख सकते हो ब्राउन कलर, ब्लू कलर, रेड कलर, ब्लैक कलर, ग्रीन और येलो कलर मिल जाता है स्केच पेन दोस्तों इस पैकेट के अंदर। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों क्या मिलता है इस किट के अंदर। तो इस किट में ये देखो दोस्तों हमें क्या मिला, ये क्या है दोस्तों, ये क्या स्टिकर मिलता है दोस्तों एक काफी अच्छा सा। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों क्या मिलता है इसके अंदर। तो इसके अंदर दोस्तों हमें मिलता है 15 सेंटीमीटर का रूलर, ये देख सकते हो ट्रांसपेरेंट रूलर मिल जाता है दोस्तों। और देखते हैं क्या मिलता है इसके अंदर, तो इसे निकालते हैं तो ये देखो दोस्तों इसके अंदर मिल जाते हैं हमें कलर पेंसिल, और वाह, और काफी छोटे कलर पेंसिल मिलते हैं दोस्तों, 10 कलर की कलर पेंसिल मिलेगी दोस्तों। चलो दिखाता हूँ कलर पेंसिल कैसी है। तो ये देखो दोस्तों कलर पेंसिल कितनी जबरदस्त है, कितनी अमेजिंग है, छोटी छोटी की दोस्तों कलर पेंसिल मिल जाती है दोस्तों। और ये देखो दोस्तों ये भी है ट्रायंगुलर कलर पेंसिल दोस्तों, काफी अच्छी काफी प्यारी सी दोस्तों। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस किट में हमें क्या मिलता है, कैसी चीज मिलती है। तो ये देखो दोस्तों इसके अंदर हमें मिल जाता है ग्लू स्टिक, और ग्लू स्टिक दोस्तों हमें किसी भी किट में नहीं मिलता दोस्तों, ये तो काफी जबरदस्त है, ग्लू स्टिक मिल गया इसके अंदर, देख सकते हो काफी अमेजिंग काफी जबरदस्त दोस्तों। और देखते हैं दोस्तों इस किट में हमें क्या मिलता है, निकालते हैं तो ये देखो दोस्तों इसके अंदर हमें नॉन डस्ट इरेजर मिल जाती है कोरस की दोस्तों काफी जबरदस्त, और एक सिंपल सा शार्पनर मिल जाता है। ये किट तो दोस्तों वाकई में काफी जबरदस्त, 99 रुपीज में दोस्तों हमें एक से बढ़कर एक चीज मिली दोस्तों। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस किट में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस किट में ये देखो दोस्तों हमें मिलती है एक ज्योमेट्री बॉक्स, ये ज्योमेट्री बॉक्स भी काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग है दोस्तों। ढक्कन ओपन करते हैं, उससे पहले देख सकते हो यहाँ में एक बटन मिलता है, इस बटन को दबाते ही शार्पनर का ढक्कन ओपन हो जाता है और इसके अंदर एक छोटा शार्पनर एक बड़ा शार्पनर मिल जाता है। ढक्कन ओपन करते हैं, ढक्कन ओपन करते ये देख सकते हो कंपार्टमेंट है और इस कंपार्टमेंट में दो सेक्शन है और एक सेक्शन में दोस्तों हमें 1, 2, 3, 4 पेंसिल लॉक मिल जाता है दोस्तों। और ये देखो दोस्तों इस ज्योमेट्री बॉक्स में हमें कैलकुलेटर मिल जाता है, यार ये तो काफी जबरदस्त है, और इस कैलकुलेटर को कुछ इस तरह से रोटेट भी कर सकते हैं, ये देख सकते हो कैलकुलेटर को हम आगे भी कर सकते हैं और पीछे भी कर सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरह से, काफी अमेजिंग है। एक छोटा सा सेक्शन मिल जाता है, इसे ओपन किया तो इसके अंदर का स्पेस देख सकते हो काफी जबरदस्त है, छोटा छोटा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। पीछे वाले ढक्कन को ओपन करते देखते कितना स्पेस है, पीछे वाले ढक्कन को ओपन किया तो पीछे कंपार्टमेंट में काफी अच्छा स्पेस है, काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा और गहराई भी काफी अच्छी है ज्योमेट्री बॉक्स की। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें मिलता है एक टाइगर, ये देख सकते हो टाइगर मिलता है दोस्तों, और ये टाइगर नहीं है, ये है टाइगर वाला एक पिगी बैंक, और इस पिगी बैंक को कैरी करने के लिए दोस्तों एक हैंडल मिल जाता है जिसे काफी इजी से कैरी करके चल सकते हैं इस पिगी बैंक को दोस्तों। यहां हमें होल मिल जाता है, इस जगह से दोस्तों हम अपने पैसे को डालेंगे दोस्तों और इसे दोस्तों इस तरह ओपन करेंगे, इसे ओपन किया तो ये देखो दोस्तों इसके अंदर का स्पेस काफी अच्छा और काफी सारा मनी भी आ जाएगा दोस्तों। यहां देख सकते हो हमें एक लॉक मिल जाता है, इस लॉक में दोस्तों हम अपना ताला लगा लेंगे, फिर हमारे पैसे कोई भी नहीं चुरा सकता, टाइगर वाला दोस्तों पिगी बैंक है, काफी सुंदर काफी प्यारा से। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है, कैसी चीज मिलती है। और इसके अंदर मिलता है हमें एक BTS का सूटकेस, ये देख सकते हो काफी सुंदर सूटकेस मिलता है, और दोस्तों ये सूटकेस नहीं है, ये है एक इरेजर प्लस शार्पनर कंपार्टमेंट सूटकेस, वो कैसे चलो दिखाता हूं। यहां देख सकते हो दोस्तों हमें होल मिलता है, इस होल में दोस्तों हम पेंसिल को डालेंगे और फिर पेंसिल को शार्प करेंगे, क्योंकि दोस्तों इस वाले होल में हमें इसके अंदर मिलता है हमें शार्पनर, वो कैसे। तो ये देखो दोस्तों कितना जबरदस्त शार्पनर मिलता है और बिल्कुल अलग कंपार्टमेंट मिलता है इस सूटकेस के अंदर शार्पनर का, और ये देख सकते हो इधर भी दोस्तों हमें एक कंपार्टमेंट दिख रहा है, और इस कंपार्टमेंट को इसे ओपन करेंगे तो इसके अंदर मिलता है हमें खाली कंपार्टमेंट, इसके अंदर दोस्तों हम अपनी इरेजर रख सकते हैं दोस्तों, काफी जबरदस्त है ये सूटकेस सेट। आपको कैसा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और कौन कौन है दोस्तों BTS आर्मी प्लीज दोस्तों मुझे ये भी कमेंट करके जरूर बताना, BTS आर्मी हो तो कर देना वीडियो को लाइक। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें मिलता है एक पोपिट का दोस्तों काफी सुंदर सा पाउच, ये देख सकते हो पोपिट पाउच मिल जाता है, काफी अमेजिंग था। यहाँ देख सकते हो जिप मिलती है, और ये जिप को ओपन करते देखते कितना स्पेस है, तो इसके अंदर ये देखो दोस्तों हमें मिलती है बेल्ट, देख सकते हो, और इस बेल्ट को दोस्तों हम इस पाउच पे लगा लेंगे दोस्तों, फिर ये पाउच बन जाएगा एक पर्स लुक में दोस्तों। और सबसे अच्छी बात है जब भी हम बोर हो रहे होंगे दोस्तों तो इन पॉपिट से हम अपना टाइम पास कर सकते हैं दोस्तों, यानी पॉपिट से खेल सकते हैं दोस्तों, काफी अमेजिंग है दोस्तों। और कलर कॉम्बिनेशन भी देख सकते हो कितना जबरदस्त है। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें मिलता है एक BTS का पेंसिल पाउच, काफी अमेजिंग सा पेंसिल पाउच मिलता है। चलो ओपन करते देखते हैं पेंसिल पाउच कैसा है,
और कितना कंपार्टमेंट मिलता है इस पेंसिल पाउच में। तो ये देखो दोस्तों कितना सुंदर पेंसिल पाउच है दोस्तों, चारों तरफ फरी फर लगे हैं दोस्तों इस पेंसिल पाउच के। ये देख सकते हो इसमें दोस्तों एक जिप मिलता है। जिप को ओपन किया तो ये देखो दोस्तों इसके अंदर का स्पेस कितना जबरदस्त स्पेस है दोस्तों, काफी अच्छा स्पेस है, काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों, काफी सॉफ्ट दोस्तों ये पेंसिल पाउच है। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें मिलता है छोटा भीम की ज्योमेट्री बॉक्स। ये ज्योमेट्री बॉक्स देख सकते हो कितनी लंबी ज्योमेट्री बॉक्स है। चलो इसका ढक्कन ओपन करते हैं, देखते हैं कितना स्पेस है। तो ढक्कन को ओपन किया तो पहले ढक्कन को ओपन करते ये देख सकते हो एक कंपार्टमेंट है। इस कंपार्टमेंट में दो सेक्शन है और एक सेक्शन में दोस्तों हमें एक दो तीन चार पांच पांच पेंसिल लॉक मिल जाएगा दोस्तों। काफी अच्छा स्पेस है और काफी लंबी ज्योमेट्री बॉक्स है दोस्तों। इसमें दोस्तों हमारा काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। चलो बंद करते हैं, पीछे वाले ढक्कन को ओपन करते देखते कितना स्पेस है। पीछे वाले ढक्कन को ओपन किया तो पीछे दोस्तों हमें एक ही कंपार्टमेंट मिलता है बट इसकी गहराई काफी अच्छी है, काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। चलो बंद करते हैं और बीच में भी दोस्तों हमें एक कंपार्टमेंट मिलता है। बीच वाले कंपार्टमेंट को खोला तो ये देखो दोस्तों इस ज्योमेट्री बॉक्स में हमें क्या मिला। एक तो व्हाइट बोर्ड मिल गया दोस्तों, काफी बड़ा व्हाइट बोर्ड मिल जाता है दोस्तों। और यहां देखो दोस्तों हमें नंबर्स मिल जाते हैं और साथ ही दोस्तों अल्फाबेट देखने को भी मिल जाता है इस ज्योमेट्री बॉक्स में। काफी सुंदर ज्योमेट्री बॉक्स है, छोटा भीम की ज्योमेट्री बॉक्स है दोस्तों। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है, कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें मिलता है शूज, जूता मिलता है दोस्तों। और ये जूता नहीं है, ये है जूते लुक में एक काफी सुंदर सा पेंसिल पाउच। वो कैसे, चलो दिखाता हूं। तो जैसे दोस्तों हम अपने शूज के सोलेज ओपन करते हैं वैसे दोस्तों इसके सोलेज ओपन करेंगे, फिर दोस्तों इसके जिप ओपन करेंगे इस तरह से, ये देख सकते हो। और फिर इसके अंदर दोस्तों हम अपना कुछ भी स्टेशनरी आइटम रख सकते हैं। काफी जबरदस्त है दोस्तों, काफी सुंदर पेंसिल पाउच है, शूज लुक में दोस्तों पेंसिल पाउच है। और इसे देख के लग ही नहीं रहा दोस्तों ये पेंसिल पाउच है दोस्तों, काफी सुंदर सा दोस्तों। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें मिलता है एक गिटार सेट दोस्तों, और इस गिटार में मिलता है हमें डिफरेंट टाइप की इरेजर। वो कैसे, चलो दिखाता हूं। तो दोस्तों यहां हमें लॉक मिलता है दोस्तों, ये देख सकते हो ऊपर लॉक मिलता है। इन दोनों लॉक को खोल लेंगे दोस्तों, फिर गिटार ओपन करेंगे तो ये देखो दोस्तों इस गिटार में हमें एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ कंपार्टमेंट मिलता है। नौ कंपार्टमेंट में दोस्तों हमें अलग अलग इरेजर मिलते हैं। वो कैसे, तो पहले कंपार्टमेंट में देख सकते हो दोस्तों हमें केक वाला इरेजर मिल जाता है, काफी सुंदर सा दोस्तों। सेकंड कंपार्टमेंट में दोस्तों हमें पिकाचू का इरेजर मिल जाता है, ये देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों, काफी प्यारा लग रहा है दोस्तों ये पिकाचू वाला इरेजर। तो साइड रखते और क्या मिलता है। तो थर्ड कंपार्टमेंट में दोस्तों हमें मिलता है एक, ये देख सकते हो हेलो किटी का इरेजर, देख सकते हो काफी सुंदर सा हेलो किटी का इरेजर मिल जाता है। और क्या मिलता है दोस्तों इसके अंदर, तो ये देख सकते हो दिल वाला एक गाइस हमें इरेजर मिल जाता है, ये भी कितना सुंदर लग रहा है, काफी पिटी इरेजर मिल जाता है दोस्तों इस कंपार्टमेंट में। एक कंपार्टमेंट में देख सकते हो गाइस हमें रोज मिलता है, ये देख सकते हो। और ये दोस्तों रोज नहीं है, ये भी है एक इरेजर रोज लुक में, काफी सुंदर सा दोस्तों। और क्या मिलता है इसके अंदर, तो इसके अंदर ये देखो दोस्तों हमें मिलता है एक मोबाइल फोन, देख सकते हो काफी सुंदर मोबाइल फोन मिलता है। और ये मोबाइल फोन वाला भी है इरेजर, देख सकते हो काफी सुंदर सा इरेजर मिल जाता है। और क्या मिलता है इसके अंदर, तो इसके अंदर देख सकते हो हमें मिलता है एक डोरेमोन दोस्तों, डोरेमोन वाला यानी इरेजर मिल जाता है दोस्तों। और क्या मिलता है इसके अंदर, तो इसके अंदर ये देखो दोस्तों एक पर्स मिल जाता है, और दोस्तों ये पर्स नहीं है, ये भी है एक इरेजर पर्स लुक में, काफी सुंदर सा दोस्तों। और एक में देखो दोस्तों हमें मिलता है एक पेपा पिग, ये देख सकते हो पेपा पिग मिल जाता है दोस्तों, और ये भी है इरेजर। और ये देखो दोस्तों एक और कंपार्टमेंट में मिलता है हमें आउल, ये देख सकते हो आउल मिल जाता है, और ये भी है दोस्तों इरेजर आउल लुक में। और ये देख सकते हो कंपार्टमेंट हो गया खाली, और इस कंपार्टमेंट में दोस्तों हम इरेजर के अलावा कुछ और भी अपना स्टेशनरी आइटम रख सकते हैं। गिटार वाला आपको ये सेट कैसा लगा दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें मिलते हैं एक यूनिकॉर्न की ज्योमेट्री बॉक्स। ये ज्योमेट्री बॉक्स भी काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग है। चलो ढक्कन ओपन करते हैं, देखते हैं कितना स्पेस है। ढक्कन ओपन किया तो इसमें दोस्तों हमें एक दो तीन तीन सेक्शन मिल जाते हैं, और एक सेक्शन में देखो दोस्तों हमें पेंसिल लॉक मिल जाता है, और काफी अच्छी क्वालिटी का दोस्तों हमें पेंसिल लॉक मिल जाता है। और यहां देख सकते हो दोस्तों हमें काफी बड़ा पॉकेट मिल जाता है जिसमें दोस्तों हम अपना क्लास शेड्यूल लिख के रख सकते हैं। और ये देखो दोस्तों इसमें मिलता है हमें शार्पनर, ये देख सकते हो शार्पनर मिल जाता है, काफी सुंदर सा काफी प्यारा सा दोस्तों। और ये देखो दोस्तों कमोड लुक में शार्पनर है, काफी अमेजिंग था। यहां दोस्तों हम पेंसिल को डालेंगे, फिर पेंसिल को शार्प करेंगे, और सारा कूड़ा दोस्तों इसी में जमा हो जाएगा। कूड़े को कैसे फेंकेंगे, नीचे वाले ढक्कन को खोलेंगे फिर कूड़े को फेंक देंगे दोस्तों, कुछ इस तरह से, देख सकते हो काफी जबरदस्त है। चलो पीछे वाले ढक्कन को ओपन करते देखते कितना स्पेस है। पीछे वाले ढक्कन को ओपन किया तो ये देखो दोस्तों पीछे वाले कंपार्टमेंट में कितना अच्छा स्पेस है, काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों यूनिकॉर्न की ज्योमेट्री बॉक्स से। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है एक बीटीएस का गिलास दोस्तों, और इसके ऊपर दोस्तों हमें स्ट्रॉ मिल जाती है दोस्तों, और ये स्ट्रॉ नहीं है दोस्तों, ये है एक इरेजर स्ट्रॉ लुक में, काफी सुंदर सा दोस्तों। नीचे दोस्तों हमें होल मिलता है, यानी दोस्तों इसके नीचे हमें शार्पनर मिल जाता है। वो कैसे, चलो दिखाता हूं।
तो ये देखो दोस्तों इसके अंदर हमें शार्पनर मिल जाता है और ये देखो दोस्तों इरेजर, काफी सुंदर सा गिलास है। चलो साइड रखते हैं, और क्या मिलता है इसके अंदर, तो इसके अंदर ये देखो दोस्तों हमें मिलता है एक यूनिकॉर्न की ज्योमेट्री बॉक्स। ये ज्योमेट्री बॉक्स भी काफी जबरदस्त है और इस ज्योमेट्री बॉक्स में दोस्तों हमें नेविगेशन मिलता है, साथ ही दोस्तों तीन तीन बटन मिलते हैं और ये देखो दोस्तों इसमें दो दो शार्पनर भी मिल जाता है, एक छोटा शार्पनर एक बड़ा शार्पनर मिलता है। पहले बटन को दबाते हैं, पहले बटन को दबाया तो ये देखो दोस्तों नीचे से कंपार्टमेंट बाहर आता है। इस कंपार्टमेंट में दोस्तों हमें 1 2 3 4 5 5 पेंसिल लॉक मिल जाता है, काफी जबरदस्त। चलो सेकंड बटन दबाते हैं, सेकंड बटन को दबाते थर्मामीटर बाहर आ जाता है। तीसरे बटन को दबाया तो ये देखो दोस्तों एक छोटा सा कंपार्टमेंट बाहर आ जाता है जिसमें दोस्तों हम अपनी रेजर कुछ भी स्टेशनरी आइटम रख सकते हैं। दोस्तों चलो बंद करते हैं, दोस्तों ढक्कन ओपन करते हैं, देखते हैं कितना स्पेस है। ढक्कन ओपन किया तो ये देखो दोस्तों जो पहले बटन को दबाने से कंपार्टमेंट बाहर आया था वही ढक्कन खोलने के बाद मिलता हमें, ये देख सकते हो काफी जबरदस्त। और यहाँ दोस्तों हमें एक पॉकेट मिल जाता है जिसमें दोस्तों हम अपना पूरा क्लास शेड्यूल लिख के रख सकते हैं। पीछे वाले ढक्कन ओपन करते हैं और यहाँ देख सकते हो पीछे दोस्तों हमें एक स्टिकर मिल जाता है जिसमें दोस्तों हम अपना नाम और क्लास लिख सकते हैं। दोस्तों ढक्कन ओपन किया, ढक्कन ओपन करते हैं कंपार्टमेंट, इस कंपार्टमेंट का स्पेस भी काफी जबरदस्त है, काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। दोस्तों चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें मिलती है काफी सुंदर सी ज्योमेट्री बॉक्स और इस ज्योमेट्री बॉक्स में मिलता है हमें छोटा सा कंपार्टमेंट, ये देख सकते हो छोटा सा कंपार्टमेंट मिलता है। इसमें दोस्तों हम अपनी रेजर शार्पनर को रख सकते हैं। दोस्तों चलो ढक्कन ओपन करते हैं, देखते हैं कितना स्पेस है। ढक्कन ओपन किया तो ये देखो दोस्तों इसके अंदर मिलता हमें 1 2 3 4 5 5 दोस्तों लॉक मिल जाता है जिसके अंदर दोस्तों हम पेन पेंसिल को लॉक करके रख सकते हैं और इस कंपार्टमेंट को दोस्तों हम अपनी ज्योमेट्री बॉक्स से बिल्कुल अलग भी हटा सकते हैं कुछ इस तरह से। नीचे वाले कंपार्टमेंट काफी अच्छा स्पेस है, काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। दोस्तों काफी जबरदस्त है और ऐसा कंपार्टमेंट दोस्तों हमें किसी भी ज्योमेट्री बॉक्स में नहीं मिलता है। चलो साइड रखते हैं और क्या मिलता है इसके अंदर, तो इसके अंदर ये देखो दोस्तों हमें मिलता है एक रैबिट की ज्योमेट्री बॉक्स, काफी सुंदर सी ज्योमेट्री बॉक्स है, रैबिट लुक में दोस्तों ज्योमेट्री बॉक्स है। चलो ढक्कन ओपन करते हैं, देखते हैं कितना स्पेस है। ढक्कन ओपन किया तो ये देखो दोस्तों ढक्कन ओपन करते इसमें मिलता हमें ट्रे, ट्रे पे दोस्तों हमें टेबल देखने को मिल जाते हैं, ट्रे पे भी काफी अच्छा स्पेस है। दोस्तों ट्रे पर भी दोस्तों हम अपने स्टेशनरी आइटम रख सकते हैं। ट्रे को हटाते हैं तो नीचे दोस्तों हमें एक और कंपार्टमेंट मिलता है, इस कंपार्टमेंट की गहराई काफी अच्छी है, काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। दोस्तों रैबिट वाली ज्योमेट्री बॉक्स है। दोस्तों चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में क्या मिलता है। बॉक्स हो गया खाली, आज इस बॉक्स में दोस्तों हमें एक से बढ़कर एक स्टेशनरी आइटम मिली। दोस्तों आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो कर देना वीडियो को लाइक। दोस्तों बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे वीडियो के साथ, अच्छे से कलेक्शन के साथ, अच्छे से अनबॉक्सिंग के साथ। जब तक बाय बाय दोस्तों।